तो जैसा कि आपने थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और ये वीडियो जो है हमारा बहुत ही खास होने वाला है। और आज हम बात करेंगे एक प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक बेस अगरबत्ती बनाने को लेकर, और वो है हमारा गोबर से बनाई जाने वाली, काऊ डंग से बनाई जाने वाली अगरबत्तियां। क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के मैसेज थे, कॉल भी उन्होंने किया हुआ था कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है अगरबत्ती के बेस पे जो कि बहुत कम खर्चीला हो, जिसमें बहुत कम से कम खर्चे आने चाहिए, और वो हमारी नेचुरल होनी चाहिए, प्योर नेचुरल होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हमारा फ्लावर से बनी हुई अगरबत्तियाँ हों, चाहे गोबर काउडंग से बनाई जाने वाली अगरबत्तियाँ हों, क्योंकि अभी का जो ट्रेडिशनल दौर है तो पूरा केमिकल्स में लोग डाइवर्ट हो चुके हैं। मतलब जो भी अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं तो वो केमिकल्स, परफ्यूम्स और इसके बेस में ही अगरबत्तियाँ बनती है। लेकिन हमारे भारत आयुर्वेदाचार्य और ऐसे तमाम हमारे देश में मौजूद है जड़ी बूटियाँ हो, चाहे पाउडर्स हो, तो उनसे भी हम अगरबत्तियाँ बना सकते हैं। तो इनके बेस में मैंने काफ़ी चीज़ें सोची और मेरे को भी लगा कि हम नहीं, इसके बेस में हम कुछ अच्छी चीज़ें भी बना सकते हैं जो कि नेचुरल हो, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाई जाने वाली चीज़ें हों। तो ये गोबर जो कि गाय के कंड जो बोलते हैं, और उनसे, और काउडंग जिनका ट्रेडिशनल नाम जो पाउडर फॉर्म में होता है उसे हम काउडंग जो है बोल देते हैं, तो इनसे भी हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी गौ माता के लिए और हमारे जो है कमाई के लिए कुछ साधन बन सके। और इनसे दो तीन चीज़ें जो है फायदा हो जाती है। पहला, हमारी जो गौ माता है वो सुरक्षित हो जाती है। दूसरी चीज, लोगों का एक आय का साधन हो जाता है, जो अपना रोजी रोटी उसमें चला सकें, अपना एक छोटा सा व्यवसाय चालू कर सकें, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो है हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, जैसा कि आप सारे केमिकल्स लेस अगरबत्तियाँ यूज़ करते होंगे तो बहुत सारे उसमें से हमारा धुआं हो गया और बहुत सारे केमिकल्स की चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में जाती हैं, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो हमारा गांव से बनने वाला चीज़ें हैं, मतलब गौ माता की गोबर से बनने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई हार्मफुल नहीं होता, इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत सुरक्षित है। तो कहा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों का माइंड ये है कि वो ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना चाहते। तो इनके लिए मैंने इनके लिए काफ़ी सारे महिलाएं हैं जो कि मेरे से क्वेश्चन की थी, तो उसके बाद भी मेरे को ये आइडिया आया कि नहीं, इसके ऊपर हमें भी काम करना चाहिए। तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो महिलाएं घर में खाली रहती हैं, जिनके पास टाइम है, तो वो भी ये काम कर सकती हैं, और ये बहुत ही कम खर्चे में ये काम किया जा सकता है। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, मैंने इसे बना के देखा, तो मेरे को लगा कि ये कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा आइडिया है और लोगों के बीच इसको शेयर किया जाना चाहिए। और इसके बेस में आप तमाम ऐसे जड़ी बूटियां हमारी भारत में मौजूद हैं जिनका यूज़ करके आप एक अच्छी फ्रेग्रेंस के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं। फिलहाल जो आज का हमारा ये फॉर्मूला होगा, काउडंग गाय के गोबर से बनाने वाली अगरबत्ती, ये नॉर्मली होगी, मतलब जो नॉर्मल पाउडर्स होंगे उसके बेस में हम इसे बनाएंगे। तो एक बात है जो कि दिमाग में हमेशा खटकती रहती है, जैसा कि अभी लोग डाइवर्ट हुए हैं ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, जबकि जो हमारा ट्रेडिशनल काम था, मतलब जो पहले का काम था, जो आयुर्वेदाचार्य पे काम जो चालू किया हुआ था अगरबत्ती बनाने का, वो था हमारा गाय के गोबर से बनाने का, फूलों से बनाने का, और काफ़ी तमाम सारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो सुगंधित पाउडर है उनके बेस में तैयार किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे मशीनें लग गई हैं, मशीनें लगने की वजह से ये ट्रेडिशनल काम है वो पहले हैंड रोल किया जाता था, हैंड रोल में मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई। ऑटोमेटिक मशीन आने से अब क्या हुआ, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोग फिर से इसमें डाइवर्ट हो गए, जो कि ट्रेडिशनल काम था, पुराना काम था, उस पर फिर से आ गए। तो अभी फिलहाल जो है गाय के गोबर से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे हमारा धूप बत्ती हो, धूप स्टिक हो, अगरबत्तियाँ हो, और ऐसे
तमाम साने कंडे और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन में भी आपने देखा होगा, गाय के कंडे बिकते हैं ऑनलाइन पे, तो इन चीज़ों को कोई अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जिस दौर पे अभी कोविड आया, कोविड आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लोगों को एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए अपने हेल्थ के लिए, हार्मफुल ना होने के लिए, फिर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ढूंढने लग गई, चाहे अगरबत्तियाँ हो, चाहे और खाने पीने की तमाम सारी चीज़ें हो गई। सो अभी के टाइम में गाय से गोबर से, मतलब गाय के गोबर काऊ डंग से काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है, और ऐसे तमाम गौशालाएं हैं जिसमें अभी भी अगरबत्तियां बनाई जाती हैं और एक अच्छा जो है बिजनेस उन लोग चला रहे हैं। तो ये चीज़ें बाकी और लोग भी कर सकते हैं, जिनके पास गाय नहीं है, गाय नहीं रखे हुए हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको खाली ये पाउडर्स इंग्रेडिएंट जो मैं कुछ रखा हुआ हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके आप इसमें काम कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, आप आसानी से अपने घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद एक अच्छा रोजगार आप जो है अपना शुरुआत कर सकते हैं, एक छोटा सा बिजनेस जो है अपना चालू कर सकते हैं। तो पाउडर्स जो कि मैं रखा हुआ हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मुलेशन आपको देना चाहता हूँ, जो कि एक नॉर्मल पाउडर्स के बेस में मैंने अभी जो है ये चीज़ें तैयार की हैं, मतलब बनाने का प्रोसेस मैंने तैयार किया है, और इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल पाउडर्स हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा काउडंक जो कि आपको दिख रहा होगा, तो ये एक कंडे जो होते हैं हमारे, तो कंडे को मैंने ड्राई किया हुआ है, नॉर्मल मिक्सर से आप कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको रखनी है और उसके बाद उसको ट्राई करना है, मिक्सर से थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है तो ये पाउडर के फॉर्म में आ गई है, और ये आपको दिखेगा हल्का मतलब ग्रे कलर की, इसमें थोड़ी सी कलरनेस है, जैसा गोबर का कलर होता है उसी तरीके से है, सेम वही चीज़ें हैं, और इसे मैंने स्क्रीन से स्क्रीन कर लिया, मतलब छान लिया अच्छे से, उसके बाद ये हमारी काऊ डंग की जो पाउडर है वो रेडी हो गई है। तो ये जो है हमने लिया हुआ है 500 ग्राम, जो कि आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं ताकि आप जब भी बनाए तो आपको एक छोटा सा आइडिया हो। तो ये काऊ डंग पाउडर होगा और ये हमें लेना है 500 ग्राम। दूसरा है हमारा कूपम पाउडर, जिसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियो में और ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये हमें लेना होगा 200 ग्राम, और इसमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जो कि हमारी अगरबत्तियों में एक अच्छी खुशबू लाएगी। इसके साथ अगर कूपम पाउडर आपके पास नहीं है या फिर और कोई चीज़ें ऐड करना साथ चाहते हो, तो इसमें आप हलमटी पाउडर यूज़ कर सकते हो, नागरमोथा पाउडर यूज़ कर सकते हो, हीना पाउडर जो होती है वो यूज़ कर सकते हो, तो इसमें भी एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। तो अभी फिलहाल हम कूपम पाउडर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो कूपम पाउडर हमें लेना है 200 ग्राम, और उसके बाद है हमारा जिगट, इसमें हम करेंगे जिगट का यूज़ क्योंकि इसे हम हैंड रोल बनाएंगे, और हैंड रोल बनाने के लिए जिगट पाउडर का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जिगट पाउडर आपको लेना है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम हमारे लिए इस मटेरियल के लिए सफिशियंट है, तो 250 ग्राम आपको यूज़ करना है, और ये आपको इस तरीके से दिखेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये जोस पाउडर से थोड़ी सी लोएस्ट ग्रेड में होती है। उसके बाद हमें चौथा चीज लेना है हमारा ये कपूर, क्योंकि ये जो गोबर से बनने वाली अगरबत्तियां हैं इसे हम कपूर बेस्ड बनाएंगे, मतलब इसमें कपूर की स्मेल आएगी, और जो कि कपूर एक जलने वाली ही चीज है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो कपूर है ये जलने वाली ही चीज है, तो ये जलने में भी सहायक करेगी और उसके साथ साथ एक अच्छा फ्रेग्रेंस लाएगी। तो ये हो गया हमारा कपूर, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें गाय का देसी घी, और ये घी से जलने के लिए भी ये मदद करेगी, और इसमें जो है एक अच्छी जो है फ्रेग्रेंस इसमें आएगी, जो कि हमें इस पाउडर पे मिक्स करना होगा। तो ये 5 तरीके के पाउडर आपको लगेंगे, इन सारे मटेरियल्स को आपस में मिलाएंगे, उसमें पानी का रेशियो देंगे, उसके बाद जो है हम हैंड रोल करके इसे बनाएंगे। तो ये प्रोसेस हम आने वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा आने वाले पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें,
और मिलते हैं अगले आने वाले पार्ट वाली वीडियो पे, जो कि इनके बेस में हम अगरबत्तियां बनाएंगे।